अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है। आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है। आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए, और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके। आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। आजादी का अमृत महोत्सव, आपको बता दें कि भारत की आजादी का 75वां वर्ष और इसके साथ ही महोत्सव मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा, और इसको लेकर बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी वासी बेहद उत्साहित हैं। विधायक कृष्ण कुमार ऋषि के नेतृत्व में हर घर तिरंगे की योजना बन रही है। अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बनमनखी विधायक सह कृषि उद्योग विकास समिति के सभापति कृष्ण कुमार ऋषि बनमनखी डाकघर पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज का खरीद किया। आपको बता दें कि विधायक श्री आज से तिरंगा अभियान कार्यक्रम की तैयारी पर आरंभ कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर सभी व्यक्ति अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराएंगे। आप लोग आए हैं झंडा लेने के लिए, क्या देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज मैंने हम लोग जहाँ जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के चारों मंडल के अध्यक्ष और हम सब लोग मिल के आए थे, हमारे जिला के पदाधिकारी जी सब लोग आए थे, झंडा लेने इसलिए कि आज़ादी के 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। इस अवसर पर सरकार ने एक बार तय किया है कि हर घर झंडा तिरंगा हर घर को लगे, इस नाते कि लोगों को तिरंगा हर घर हर इंसान को लगाना चाहिए, हर आदमी अपने घर पर तिरंगा लगाना चाहिए कि देश के प्रति उसको एक जुनून रहता है कि हम देश के प्रति समर्पित हैं। इस नाते हम लोग अमृत महोत्सव के तहत झंडा लेने आए थे पोस्ट ऑफिस से, और तो सरकार ने भी तय कर लिया है कि पोस्ट ऑफिस में झंडा उपलब्ध होगा, इसी चलते हम लोग पोस्ट ऑफिस से झंडा लेने आए थे। और हर घर झंडा हम लोग चाहेंगे कि झंडा हर घर हर नागरिक अपने घर पर तिरंगा झंडा पाए। एक चीज़ गाइडलाइन सरकार की तरफ से आया कि जो भी सोशल साइट चल रहा है वो सोशल साइट पर तिरंगा झंडा लगाना चाहिए, सर इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, तिरंगा झंडा तो हर साइट पर लगना ही चाहिए, जैसे हम व्हाट्सएप फेसबुक पर चलाते हैं तो जो बैकग्राउंड है उस पर तिरंगा लगाना चाहिए। 15 अगस्त, कम से कम 15 अगस्त तक जरूर लगाना चाहिए हर साइड पर, और हर घर पर हर दुकान पर तिरंगा पहरना चाहिए। इससे यही संदेश जाता है कि हम देश के प्रति निश्चित रूप से काफ़ी समर्पित। भारत सरकार द्वारा सस्ते दरों पर पोस्ट ऑफिस में झंडा उपलब्ध करा दिया गया है, जहाँ से झंडा प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के बैठक के दौर प्रारंभ है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्तर पर भी तिरंगा अभियान को लेकर अनेक प्रकार के जागरूकता अभियान आरंभ है। विधायक श्री कृष्ण ने कहा कि तिरंगा अभियान को लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जागरूक भी किया गया है। पार्टी के नेताओं द्वारा एक एक व्यक्ति को घर पर तिरंगा लगाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। आपको बता दें कि 30 इंच लंबा और 25 इंच चौड़ा ध्वज महज 25 रुपये में डाकघरों से प्राप्त किया जा सकता है। इस तिरंगा अभियान कार्यक्रम में डाकघर की महत्वपूर्ण भूमिका भी दिख रही है। डाकघर पहुंचकर लोग तिरंगा प्राप्त करने की होड़ में लगे हैं, घरों पर तिरंगा लगाएं। और विधायक श्री ऋषि ने कहा कि एक एक व्यक्ति के हृदय में राष्ट्रप्रेम जगने की एक ललक लगनी चाहिए और ये अलख जगता रहना चाहिए पूरे देश में। तिरंगा अभियान एक अनूठा मिसाल है, और बनमनखी डाकघर में झंडा खरीद के समय मंडल अध्यक्ष मनोज गुप्ता, दिलीप झा, मंटू दास, भाजपा नेता अमितेश सिंह, जिला मंत्री संतोष चौरसिया, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुबोध साह सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का यह अभियान है कि हर घर झंडा तिरंगा लहर जाए, और हम भी अगर राष्ट्र से प्रेम करते हैं तो अपने इस राष्ट्रीय प्रेम महोत्सव को और आज़ादी के इस 75वें अमृत महोत्सव को इसे दिल से और दिलो जान से मनाना चाहिए।
बनमनखी से मिथिलेश के साथ गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और देखिए देश की बात सच के साथ। जनता के हक हकूक की लड़ाई हम यूं ही लड़ेंगे और आपके सामने उनकी समस्याओं को भी रखेंगे। आप शासन में हैं, आप सरकार में, कुछ तो कीजिए। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें, क्योंकि हम करते हैं देश की बात सच के साथ।